हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 66 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार स्पेशल का कुछ करेंट अफेयर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक यहां पे कि बिहार में खेती के लिए हाइड्रोजल के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2020 बिहार कृषि विश्वविद्यालय की खोज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मंजूरी के बाद हाइड्रोजल के इस्तेमाल से बिहार में अब कम पानी में भी अधिक पैदावार होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजल की इस्तेमाल के लिए मंजूरी किस राज्य में मिली है और इसको खोज कौन किया है, तो यहाँ पे आंसर होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बता ही दिया गया है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की इस खोज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मंजूरी दे दी है। अब इसे पेटेंट कराने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेजा गया है। पेटेंट कहने का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को खोज करते हैं, तो आप यदि चाहते हैं कि उसका डुप्लीकेसी नहीं हो, मतलब कोई और उसी चीज़ को बना करके अपना नाम ना कमा ले कि इसको हम खोजे हैं, तो उसके लिए उसको पेटेंट कराना पड़ता है। तो चूंकि ये खोज जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का है, तो इसलिए इसको पेटेंट कराना पड़ेगा, और जिसके लिए एप्लीकेशन भेज दिया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि हर साल पानी के अभाव में 30 से 35% उत्पादन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में हाइड्रोजल के प्रयोग से खेती की तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। BHU के मिट्टी विज्ञान विभाग ने पाउडर की शक्ल में हाइड्रोजल तैयार किया है। खेत तैयार करने के बाद इसको बीज के साथ डाला जाएगा। तो इसका यूज कैसे किया जाएगा और किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो BHU के मिट्टी विज्ञान विभाग के द्वारा इसको पाउडर के फॉर्म में तैयार किया गया है। हालांकि है वो वाटर, लेकिन वो पाउडर के फॉर्म में है और बीज के साथ इसको डाला जाएगा। तो इससे क्या होगा, कम पानी में भी मतलब वहाँ पर फसल तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि BHU की टीम में कौन कौन थे। तो BHU की टीम में वैज्ञानिक डॉक्टर निंटू मंडल के अनुसार 1 ग्राम हाइड्रोजन में 500 ग्राम पानी अवशोषित करने की क्षमता है। यानी कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजल होगा उसमें 500 ग्राम पानी अवशोषित करने की क्षमता है। 1 हेक्टेयर में 10 किलो हाइड्रोजल का इस्तेमाल किया जाएगा। 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 किलो हाइड्रोजल 350 रुपये में आएगा। इसका प्रत्येक किसान को 4 पटवन की बचत और 1 हेक्टेयर में 40-50 हज़ार रुपये का लाभ मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी एक फायदे का चीज़ है। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हुआ अभी, तो ये अभी चुनाव के पहले का डाटा है, मतलब कि कब कब हुआ था ये याद रखिएगा। हो सकता है कि ये पूछा जाए कितने चरणों में हुआ था, तो 3 चरण में हुआ था। और किस दिन घोषणा हुआ था इसका, तो 25 सितंबर 2020 को हुआ था। अभी हमारे चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आचार संहिता होती है चुनाव के जिस दिन घोषणा होता है उसी दिन से लागू हो जाता है, और इलेक्शन के जो काउंटिंग होता है उस दिन तक चलता है। यानी जो बोल सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता जिसको बोला जाता है, वो इलेक्शन का घोषणा होता है उसी दिन से लागू हो जाता है। तो कन्फ्यूजन बहुत लोग यही करते हैं कि जिस दिन से इलेक्शन होना हो, मतलब कि जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन होता है, नहीं, जिस दिन घोषणा होता है उसके तुरंत बाद जो है ये लागू हो जाता है। यानी 25 सितंबर 2020 से ही बिहार में आचार संहिता लागू था। सुनील अरोड़ा जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके द्वारा घोषणा किया गया था 3 चरण में चुनाव होगा, मतलब कि हो चुका है अभी, लेकिन याद रखिए 3 चरण में हुआ था, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। रिजल्ट जो है 10 नवंबर को आया था। और इस बार एक चेंज क्या किया गया था कि पहले एक बूथ पे 1500 वोटर होते थे, जो इस बार 1000 वोटर को ही रखा गया था। यानी कि इस बार वोट जो बूथ का नंबर है वो बढ़ा दिया गया था कोरोना को देखते हुए, है ना। एक और योजना यहाँ पे है जो इलेक्शन के समय ही, मतलब कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। यानी फास्ट इंटरनेट का जो सर्विस है, जो ब्रॉडबैंड होता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाता है, वो अब घर तक पहुँचाया जाएगा। इस योजना का शुरुआत किया गया है, अभी शुरुआत किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर सेवा घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना था। इसका मिनिस्ट्री याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री अभी हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा लागू किया जाएगा। यह राज्य में 45,945 गांवों को जोड़ेगा। इस प्रकार का यह परियोजना डिजिटल क्रांति को बिहार के सुदूर इलाकों तक भी पहुँचा जा सकता है। कहने का मतलब कि जो दूर इलाका है जहाँ पर भी नेट उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं चलता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अच्छे से चलेगा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो TIR पे काम करता है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिजिक्स का एक टर्म है, ये भी याद रखिएगा कि TIR मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर किस थ्योरी पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है राजमार्ग परियोजना में 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो यहाँ पे राजमार्ग परियोजना भी था, है ना, तो 350 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लागत में 14,250 करोड़ रुपये आएगा और इससे बिहार, झारखंड और UP 3 राज्य के लोग को बेनिफिट होगा।
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि कैमूर के पहाड़ियों पर महापाषाण स्थल, महापाषाण स्थल है ना, तो यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो पढ़े उसमें स्टोन एज जो होता है जिसको पाषाण काल बोलते हैं हिंदी में, उसको कई भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल इस तरीके से। तो सोन घाटी सभ्यता के शोधकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने 25 नवंबर 2018 को रोहतास जिले के नौहट्टा ब्लॉक के अंतर्गत ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले और हुरमेता गांव के पास कैमूर पहाड़ियों पर 6 महापाषाण दफन स्थलों की खोज की है। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जंगल में एक स्थल में से 10 महापाषाणिक समाधियों को अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सभी पर पाषाण स्तंभ पड़े हैं। पाषाण मतलब कि पत्थर होता है। ये स्तंभ 50 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किस जिला में मिला है, बस ये याद रखिएगा, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा कि किस जिला में मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में कोसी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन, ये बहुत ही पुराना परियोजना था जिसका हाल में उद्घाटन किया गया है और इसे कई लोगों को मतलब कि बेनिफिट मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन 12 रेल परियोजनाओं में किउल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेलवे लाइन, 5 विद्युतीकरण से संबंधित, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। सुपौल जिले के सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी रेल सेतु, तो याद रखिए कोसी रेल सेतु किसके बीच में है, सुपौल जिला में है, कोसी नदी पर है, सरायगढ़ और निर्मली के बीच में, ये दोनों स्टेशन का नाम है, सरायगढ़ और निर्मली स्टेशन का नाम है। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है। इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई थी। कोसी नदी पर इस रेल महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो हम पहले ही बताएं बहुत पुराना परियोजना था, तो इसका शिलान्यास जो है वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था और उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह पुल भारत नेपाल बॉर्डर एरिया से के लिए बेहद अहम है। इस रेल मार्ग के जरिए मिथिला क्षेत्र को सीधा संपर्क उत्तर पूर्व के राज्यों से हो जाएगा, है ना, मतलब कि एक नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, असम मेघालय उधर जो 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स, वहाँ तक जाने के लिए अभी हमको काफ़ी कम रूट अवेलेबल है, जैसे वेस्ट बंगाल के थ्रू ही सिर्फ रूट अवेलेबल है। तो एक अल्टरनेट रूट भी मिल पाएगा लोगों को कोसी रेल महासेतु के थ्रू, है ना, इस पर सेना का भी ट्रेन जा सकता है, मतलब हर चीज़ जा सकता है। सरायगढ़ निर्मली के बीच पहले जाने के लिए सहरसा मानसी खगड़िया समस्तीपुर दरभंगा होते हुए निर्मली जाना पड़ता था, जिसकी दूरी 298 किलोमीटर थी, अब ये घट के मात्र 22 किलोमीटर हो गया है, यानी लगभग 270 किलोमीटर का कमी आ जाएगा डिस्टेंस में। 1887 में निर्मली और भापतियही यानी सरायगढ़ के बीच मोटर गेज का निर्माण किया गया था। भारी बाढ़ 1934 में आए विनाशकारी भूकंप से रेल लिंक बह गया था। तो यहाँ पे एक और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भूकंप कब आया था बिहार में, काफ़ी भयंकर भूकंप जिसको बोल सकते हैं, तो 1934 में आया था। नेक्स्ट एक है संजीवनी ऐप। 1 अगस्त 2020 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने संजीवनी नामक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया। तो ये भी याद रखिए कब लॉन्च किया गया और किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है और ऐप का नाम है संजीवनी। यह ऐप राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड 19 परीक्षणों को हेतु पंजीकरण करने में मदद होगा। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को निकटतम कोविड 19 परीक्षण केंद्र, कोविड 19 देखभाल केंद्र और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है ना, तो ये हम लोग के लिए इन्फॉर्मेशन मतलब कि जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो बैड न्यूज़ है बोल सकते हैं कि पटना भारत का सबसे गंदा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में, मतलब कि गंदा शहरों में नीचे से टॉप किया है। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे 20 अगस्त 2020 को घोषित कर दिए गए, जिसमें बिहार की राजधानी पटना को देश का सबसे गंदा शहर का दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि राज्य के अन्य शहरों का प्रदर्शन भी फिजडी है ना। यह सर्वेक्षण प्रति वर्ष केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको किया जाता है, है ना। इस स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 42 शहरों को नामित किया गया था, शामिल किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित होने के बाद इंदौर लगातार चौथे साल, याद रखिएगा लगातार चौथा साल इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा, जबकि सर्वेक्षण में गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे नंबर पर रहा। राजधानी में बात किया जाए तो जो मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, वो सबसे स्वच्छ राजधानी में आया, यदि कैपिटल सिटी की बात किया जाए तो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत शहरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले देश के 47 शहरों में राजधानी पटना सबसे नीचे पायदान पर रहा। तो याद रखिए ओवरऑल में सबसे नीचे नहीं है पटना, कैपिटल सिटी की बात किया जाए जहां पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, मतलब कि ऐसा सिटी जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला है, वैसा मात्र 47 शहर था, उसमें पटना सबसे नीचे था, ओवरऑल में नहीं था। पटना को 1552.11 अंक मिले, तो पिछले 66 बीपीएससी के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल सकते हैं
65th बीपीएससी हम दिए थे तो उसमें पहले डाटा उतना नहीं पूछा था, लेकिन अब डाटा भी पूछने लगा है। तो ये भी याद रखिएगा पटना को कितना पॉइंट मिला है, तो 1552.11। देश के 1,00,000 से 10,00,000 की आबादी वाले 382 शहरों में बिहार का गया शहर सबसे निचले पैदान पर रहा। तो गया ओवरऑल में नीचे नहीं है, लेकिन 1 से 10 लाख की आबादी वाले में गया सबसे नीचे है। 1,00,000 से 10,00,000 की आबादी वाले शहरों बिहार के शहरों के रैंकिंग 255 से शुरू होकर 382 तक रही। इसके अलावा 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाले 12 राज्यों में भी बिहार सबसे नीचे पायदान पर रहा। 12वें नंबर पर रहे बिहार में 760.40 अंक मिले। तो सब कैटेगरी याद रखिए किस कैटेगरी में कौन टॉप है नीचे से। 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाले शहरों में बिहार का एकमात्र शहर पटना है। और 10 लाख से कम आबादी वाले बिहार के प्रमुख शहर कौन कौन है, तो गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भागलपुर, परसा बाजार, बिहार शरीफ और सहरसा। एक और इंसिडेंट की हम लोग बात करें जो बिहार से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बिहार से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, यह गलवान घाटी में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में है। 15 जून 2020 की रात उत्तर लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी एक बॉर्डर है, पर भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प से 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, है ना, 20 सैनिक शहीद हो गए वहाँ पर। सेना की ओर से जारी शहीदों की सूची में 12 सैनिक बिहार रेजिमेंट के थे, 12 सैनिक जो थे बिहार के थे। झगड़े की शुरुआत पेट्रोलिंग पॉइंट 4 PP4 को खाली कराए जाने से हुई। तो ये भी याद रखिए कि झगड़ा की शुरुआत क्यों हुआ, तो वहाँ पे जैसे LAC पे जो है बहुत सारा पेट्रोलिंग पॉइंट है ना, कोई ऐसा जगह जिसका नाम नहीं है ना, तो उसको पेट्रोलिंग पॉइंट के नाम से दे दिया जाता है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से शुरुआत हुआ था। इस झड़प में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और जूनियर कमांडिंग ऑफिसर कुंदन कुमार झा शहीद हो गए। इसके अलावा शहीद होने वाले में शामिल थे, ये इनका नाम दिया गया है, गलवान घाटी सैन्य संघर्ष में बिहार के निवासी बिहार 16वीं रेजिमेंट के 3 सपूत हवलदार सुनील कुमार, सिपाही कुंदन ओझा और JCO कुंदन कुमार झा की शहीद हो गए। कुंदन ओझा मूल रूप से भोजपुर जिला के बिहिया के थे, यानी बस इतना याद रखिए कि बिहार रेजिमेंट के इतने लोग 20 में से 12 लोग बिहार के थे जो शहीद हो गए। बिहार रेजिमेंट की बात कर ले तो बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना है। तो याद रखिए पैदल सेना है ना, सेना कई तरह की होती है, कैवेलरी बोलते हैं जो घोड़ा से चलती है, इन्फेंट्री बोलते हैं जो पैदल चलती है, इस तरीके से। तो ये इन्फेंट्री है, कहने मतलब पुरानी पैदल सेना है, और इसका गठन 1941 में हुआ था इसका बिहार। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बिहार रेजिमेंट का गठन आज़ादी के बाद हुआ था कि पहले हुआ था, है ना। बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म है, रेजिमेंट का वाक्य जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय, है ना। तो इस तरीके से इसके बारे में था। अब है बिहार में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली कहने का मतलब जो वज्रपात होता है, थंडर स्टॉर्म जिसको बोल सकते हैं, उससे बिहार में कई लोगों का डेथ हो गया है। तो बिहार में आकाशीय बिजली गिरने वज्रपात से 25 जून 2020 से 83 लोग, 1 जुलाई 2020 को 11 लोग तथा 2 जुलाई 2020 को 26 लोग मारे गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दिन में इतने लोग मारे जा रहे हैं। राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पे पुणे में है, उसके सहयोग से लाइटनिंग सेंसर प्रणाली की स्थापना के लिए 7 स्थानों का चयन किया है, जिसमें भी 2 स्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया के कैंपस में और मधुबनी के समाहरणालय में, है ना। तो 2 जगह इसका स्थापना किया जा चुका है लाइटनिंग सेंसर्स प्रणाली का। यह प्रणाली बिजली गिरने और तूफान आने की सटीक जानकारी देता है। ये कितने जगह पर लगाना है, तो 7 जगह पर, है ना। यहाँ पर अभी पढ़े हम लोग कि 7 जगहों का चयन किया गया, लेकिन 2 जगह इंस्टॉल हुआ है, 5 जगह भी प्रोसेस में है। IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने राज्य की इस प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वप्रथम CUSB यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया कैंपस का चयन किया था। IITM ने ऐसी दुर्घटनाओं के संबंध में चेतावनी देने के लिए दामिनी ऐप का भी विकास किया है। तो याद रखिए दामिनी ऐप किस लिए है, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया, मतलब बिहार गवर्नमेंट का ऐप है, IITM पुणे के द्वारा उसको डेवलप किया गया। और काम क्या करता है, तो चेतावनी देता है थंडर के बारे में, ठनका गिरने के बारे में। वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में अर्थ नेटवर्क कंपनी से 4 वर्ष का समझौता किया। इस कंपनी ने इंद्रब्रज नामक ऐप बनाया है ना, इंद्रब्रज नामक ऐप भी यही काम करता है। प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड करने वाले स्मार्ट मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बिजली गिरने से 30-45 मिनट पहले अलार्म टोन से चेतावनी मिल जाती है ना। तो फिर लोग जो है बाहर यदि नहीं जाएंगे तो बच जाएंगे, है ना, और जाएंगे तो फिर नुकसान उनका ही होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम लाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।